सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो, जिसे लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जो किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन सुंदरता पर ग्रहण जरूर लगा देती है, खासकर तब जब यह हमारे शरीर में दिखने वाले हिस्सों जैसे चेहरा, गला, हाथ, पैर और उंगलियों पर हो। सफ़ेद दाग को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की गलत धारणाएं भी हैं। सच्चाई यह है कि चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यह महज एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। विश्व विटिलिगो डे इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता आए और भ्रांतियां खत्म हों। इसका इलाज प्रायः दो तरह से किया जाता है। पहले उपचार में दवाओं की मदद से विटिलिगो के बढ़ने की गति को रोका जाता है एवं दूसरे उपचार में टॉपिकल मेडिकेशंस और फोटोथेरेपी की मदद से प्रभावित त्वचा को फिर से रंजकता प्रदान की जाती है। यदि सफ़ेद दाग स्थिर हो गया हो, मतलब पिछले एक साल में सफ़ेद दाग का बढ़ना रुक गया हो और दवाओं का कोई असर न दिख रहा हो, तो ऐसे में स्थायी इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से इस रोग को ठीक करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि सक्शन ब्लिस्टर, स्किन ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, अल्ट्रा थिन स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग और मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन सफ़ेद दाग के उपचार की सबसे आधुनिक और कारगर विधि है। इसमें स्वस्थ त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर प्रभावित जगह पर लगाया जाता है। स्वस्थ त्वचा का निकाला गया हिस्सा सफ़ेद दाग से प्रभावित हिस्से से काफ़ी छोटा होता है, लगभग एक तिहाई। अगर आप सफ़ेद दाग की समस्या से परेशान हैं और इसका स्थायी इलाज चाहते हैं, तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।